क्या बन गया भाई बी। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बिजनेस सेट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट वाज करंट रेशो। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है गेन जी? करंट रेशो का फॉर्मूला है, अभी हमने बात की है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कौन से क्वेश्चन है जी हमारा? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट रेशो हमें निकालना है, फॉर्मूला लिख दें करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो हमें इन्वेंट्री दी हुई है कितने की, 11,000 की। और क्या दिया हुआ है करंट एसेट्स में बताएं? ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है 39। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है भाई इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल के बाद? बाकी तो सारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो विद इन अ ईयर हमें पे करनी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, प्लस और कौन सी करंट लायबिलिटी जी? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी। और कोई करंट लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लोन, अगर लोन लॉन्ग टर्म है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा, और अगर लोन के बारे में कुछ भी ना बोले, सिर्फ लोन बोले बैंक लोन, तो वो भी नॉन करंट लायबिलिटी। लोन सिर्फ करंट लायबिलिटी कब हो सकता है? जब लोन में लिखा हो शॉर्ट टर्म लोन, या तो लोन में जो डेट दी हुई हो वो नेक्स्ट ईयर की डेट हो। एग्जाम्पल ये हम खड़े हुए हैं जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2018 में, और लोन में डेट आती है 2019, तो वो लोन क्या होगा? करंट लायबिलिटी। अगर 2020 या उसके बाद की डेट आती है तो फिर क्या होगा भाई? वो नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसको ऐड कर ले भाई, ये हो गया 50,000 हमारे हो गए करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी कितनी हो गई जी? 20,000। तो 50/20 कर दें, ये आ जाएगा कितना? 2.5 आ जाएगा, 50/20,000 2.5। आंसर तो आ रहा है 2.5, लेकिन 2.5 पे रुकना नहीं है, आगे रेशो 1 लगाना। रेशो 1 का क्या मतलब? फॉर ईच डॉलर ऑफ करंट लायबिलिटी वी हैव करंट एसेट्स ऑफ 2.5 टाइप्स। मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है, अगर 1 डॉलर हमारे पास करंट लायबिलिटी है तो करंट एसेट्स हमारे पास कितने? 2.5 डॉलर। तो सवाल ये आता है करंट रेशो कितना होना चाहिए भाई? आइडियली जो करंट रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1। आइडियल का मतलब अच्छे से अच्छा। 2:1 अगर है तो आप बोलेंगे परफेक्ट है करंट रेशो, और अगर मिनिमम भी होना चाहिए तो 1.5 होना चाहिए। 2 से अगर कम भी होता है तो 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1.5। इसका मतलब अगर 1.5 से भी कम हो गया करंट रेशो तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आपकी लिक्विडिटी जो है वो डेंजर में। क्या चीज़? लिक्विडिटी। इसका मतलब बिजनेस बैंकरप्ट होने के चांसेस। और अगर वो कहता है कि लिक्विडिटी करंट रेशो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? यार मैक्सिमम होना चाहिए 3। कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 3। इसका मतलब 3:1 से ज़्यादा होगा तो आप बोलेंगे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। रिसोर्सेज क्या हैं? वेस्ट हो रहे हैं या रिसोर्सेज आइडल पड़े हुए हैं? देखो आइडियल अलग चीज़ है, आइडल अलग चीज़ है। आइडियल का मतलब अच्छे से अच्छा, और आइडल IDLE इसका मतलब रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 से ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम रेंज से कम है तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा है यहाँ पे करंट रेशो, अगर वो एनालाइज करने का आप